मार्केट में आजकल सस्ती और छोटी कारों की डिमांड जैसा कि बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर कोई ग्राहक अपने कम बजट के साथ कार लेने का सपना वो भी पूरा करना चाहता है। तो अगर आपका बजट 2 से 3 लाख रुपए के अंतर्गत है तो भारत की देसी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इस 15 अगस्त के मौके पर अपनी जबरदस्त कार के साथ भारत में दस्तक देने को तैयार हो चुकी है। मार्केट में माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए आखिरकार ग्राहकों की उम्मीदों पे आने वाली सबो जैसी छोटी कार अपने एसयूवी अंदाज में इस बार भारत में धूम मचाने को तैयार हो चुकी है। मार्केट में अगर माइक्रो एसयूवी कारों का नाम आता है तो मारुति से लेकर कई कंपनियां अपनी शानदार कारों के साथ पहले से ही भारत में मौजूद है और मारुति सुजुकी ने इस बार काफी कम दामों में अपनी पहली माइक्रो एसयूवी कार सबो को लॉन्च करने का निर्णय ले लिया है। मार्केट में सबो एक ऐसा विकल्प था जिसको काफी ज्यादा हैचबैक रूप में पसंद भारत में किया जाता था। ये कार ऑल्टो के बराबर अपने कम प्राइस रेंज के चलते सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शुमार की जाती थी, मगर किसी कारणों के चलते आखिरकार सबो जैसी कार को डिसकंटिन्यू मार्केट में किया गया। मगर स्मार्ट जमाने कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती महंगाई को भी पूरी तरीके से काबू रखने के लिए आने वाली मारुति सुजुकी अपनी सबो जैसी कार को ऐसे भी अंदाज में लॉन्च मार्केट में करने वाली है। सबो को मार्केट में कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और लंबे इंतजार के बाद फाइनली खड़ी आ गई है जब सबो जैसे मॉडल को भारतीय बाजार में अब लॉन्च किया जाना है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि मार्केट में सबो में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। मार्केट में सबो को पसंद करने वाली सबसे ज्यादा खास बात इस कार का लुक होने वाला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबो के चलिए आपको लुक से ही मिलवाए कि ये कार अपने लुक में पूरी तरीके से एसयूवी कार में बदल चुकी है। आने वाली सबो को आप इस वीडियो में देख लीजिए। कार पूरी तरीके से हैचबैक रूफ को पीछे छोड़ स्मार्ट शमाने के साथ नजर आती है। सबो को 4x2 के डिजाइन के साथ भारतीय बाजार की फैमिली के लिए बनाया गया है। ये कार पथरीले रास्तों से लेकर कई तंग रास्तों पे भी अपने जलवे आपको दिखाने वाली है। सबो के फ्रंट लुक पे गौर किया जाए तो ये कार जिमनी से मिलती जुलती नजर आती है, जो कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी एसयूवी कार लॉन्च किया था। जिमनी के फ्रंट लुक पे भी आपको गोल आकार के प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं और आने वाली सबो भी अपने राउंड आकार के प्रोजेक्टर लाइनअप सेटअप के साथ नजर आती है, जिसमें लगे डे टाइम रनिंग लाइट्स और शानदार मिलने वाले लोगो के साथ न्यू रेड टाइम अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल बॉडी टू बम्पर टच सबो जैसी कार में किया है। सबो को मार्केट में ऊंचा और एक मस्कुलस लुक बनाने के लिए कार में एक स्पोर्टी लुक वाले बम्पर का इस्तेमाल भी काफी कम दामों में किया गया है, जिसमें सिल्वर लाइनर क्रीम ऑप्शन के साथ डुअल टोन कलर में फॉग लैंप लग के ये कार काफी खूबसूरत और स्टाइलिश ध्यान में रखते हुए नजर आती है। चलिए सबो के जरा साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो देख लीजिए आखिरकार भारतीय बाजार के तंग रस्ते ऊपर खाबड़ सड़कों को ध्यान में रखते हुए सबो जैसे मॉडल में आपको 17 इंच के बड़े टायर कंपनी फिट अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ नजर आते हैं, जो कि इस बार कार को काफी खास बनाते हैं। जैसे कार में आपको इस बार नए हैंडल्स बार बॉडी टू बम्पर टॉप लाइनअप के साथ शानदार कलर कॉम्बिनेशन डुअल टोन थीम और मिलने वाले दोनों साइड विंग्स मिरर में एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली कम बजट में सबो जैसे मॉडल को मार्केट में खास बना रही है। वो जितना खूबसूरत अंदाज में नजर आती है उतना ही इस कार में आपको दमदार इंजन भी मिलता है, जो कि पावर के मामले में आपको हवा से बातें करवाने वाला है। आज के महंगाई के दौर में बढ़ते पेट्रोल के दाम को नीचे लाने के लिए आखिरकार मारुति सुजुकी ने अपनी सबो जैसी छोटी कार में शानदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस इंजन का इस्तेमाल भी किया है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात कर ली जाए आने वाली सबो के इंजन तथा पावर की बात। अगर सबो के इंजन की बात आती है तो इस कार को 2.0 लीटर के दमदार टेक्नोलॉजी वाले हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ बनाया गया है, जिसके चलते ये कार पूरी तरीके से पेट्रोल पे दौड़ने वाली है। आखिरकार कार के पावर आउटपुट की बात कर ली जाए तो ये कार आपको 240 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 160 NM तक का टॉर्क जनरेट करवाने में क्षमता रखती है। आने वाली सबो में इस बार 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिल जाएंगे। माइलेज की बात आती है तो मार्केट में मारुति सुजुकी की कारें परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए जानी जाती है और इस बार सबो जैसी छोटी कार का माइलेज 30 से लेकर 32 के आसपास यानी ऑल्टो को भी आगे पछाड़ के निकलने वाली है। जी हाँ, जो कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ शानदार राइड भी देने वाली है।
मगर इस बार मारुति सुजुकी ने अपने मिडिल क्लास वालों के लिए 5 लाख रुपए से कम के बजट में सर्वो जैसी कार को बना डाला है, जो कि कई सेगमेंट की माइक्रो एसयूवी कारों को पीछे छोड़ रही है। अभी तक सर्वो का लुक पूरे तरीके से जिम्नी से मिलता जुलता नजर आ रहा है और इस बार ये अपने नए इंजन ऑप्शन के साथ ऑल्टो से ज्यादा माइलेज भी देने वाली है। मगर स्मार्ट जमाने के साथ यहीं तक नहीं, आखिरकार हर कोई ग्राहक अपने कम बजट में शानदार फीचर्स और बेहतरीन इंटीरियर को अपनी कार में तलाशता है और आने वाली सर्वो कुछ ऐसे ही शानदार इंटीरियर और फीचर से लैस है। आने वाली सर्वो के आप सबसे पहले तो डैशबोर्ड पे नजर डाल लीजिए। कार का डैशबोर्ड ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ काफी शानदार नजर आता है। आखिरकार सर्वो के अंदर आपको इतने कम प्राइस में भी ऑटोमेटिक एसी मैट्स की प्रणाली मिल जाती है और साथ ही साथ कार में 1.2 इंच के सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन का भी इंतजाम किया है, जिसमें कई हद तक आप जानकारियां साझा कर सकते हैं। आने वाली सर्वो को और भी स्मार्ट बनाने वाला इस आई के दौर में 7 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल का प्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवी कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस का मान जैसे शानदार फीचर्स सर्वो जैसे मॉडल को काफी खास कई कारों के मुकाबले बनाने वाले हैं। जरा एडिशनल फीचर्स पे गौर किया जाए तो सर्वो इतने ही नहीं, आखिरकार वायरलेस चार्जिंग से लेकर स्मार्ट चार्जिंग जैसे शानदार और बॉसी के तरह साउंड स्पीकर के साथ धमाकेदार म्यूजिक भी आपको देने वाली है। ओवरऑल लुक और शानदार डिजाइन और आने वाला इंटीरियर इस कार को वाकई में ही खास बना देता है। चलिए अब सिटिंग ऑप्शन की बात आती है तो आखिरकार मारुति सुजुकी ने कम बजट में इस कार में प्रीमियम सिटिंग ऑप्शन को दे डाला है, जिसके चलते आप बैठने के बाद 14 तरीके से ऑपरेट अपनी सीटों को एक बटन द्वारा कर सकते हैं, 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। आने वाली इन सीटों की खास बात है कि आप पीछे लेग रूम पे नजर डालिए, स्पेसिबल डिजाइन के साथ 5 लोगों के बैठने के लिए जगह इस कार में छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है, यानी 5 लोगों के बैठने के बाद भी कार में सामान रखने तक का काफी स्पेस आपको सर्वो जैसी कार में मिल जाता है। आखिरकार सर्वो को वाकई में ही भारत में काफी ध्यान में रखते हुए ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। मार्केट में सर्वो को और भी ज्यादा खास इस कार के सेफ्टी फीचर्स भी इस बार बनाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्केट में मारुति सुजुकी कारों को टीन का डब्बा कहा जाता है, मगर इस दर्जे को पूरी तरीके से हटाते हुए कंपनी इस बार अपने लाइनअप में सेकेंड जनरेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई कारों पे कर चुकी है, जिसके चलते बिल्ड क्वालिटी कई सेगमेंट की कारों को चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आने वाली ये नई कार अपने 90% तक स्टेनलेस स्टील ग्लोबल एनसीपी और क्रेस्टेस मानकों के तहत पूरे 5 की रेटिंग भारत में पहले ही ले चुकी है, जो कि काफी खास मानी जाती है। आखिरकार कार को 15 अगस्त के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। कार के बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग कीमत 2.60 लाख रुपए सेक्शनों प्राइस से स्टार्ट हो सकती है। मार्केट में आने वाली सर्वो को अगर आप भी इस बार अपने घर बैठे ही बुक करने का प्लान बना चुके हैं तो कमेंट बॉक्स का जल्दी से आप यूज भी कर सकते हैं। आने वाली सर्वो को इस बार इस वीडियो के चलते कर दीजिएगा एक खूबसूरत सा अपना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।